Are you really respect art? So let's talk about it. Welcome to PIX Entertainment Production House YouTube official channel. So, आज मैं ये वीडियो सारे आर्टिस्ट सारे व्यूवर्स के लिए लाया हूँ. हमारे पास बहुत सारी मुश्किलें होती हैं जिन्हें हमें टैकल ऑन करना पड़ता है, जिसमें है कि फ्री में काम करना, सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट करना, कंटेंट पर ध्यान देना, या कैसे क्या करना है. बहुत कुछ हमारे माइंड में चलता है. तो मेरे पास लगभग 4-5 टॉपिक्स हैं जो मैं आज वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो सारे आर्टिस्ट भी देखें और सारे व्यूअर्स भी देखें. सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि ज़्यादातर आर्टिस्ट को फ्री में काम करने के लिए बोला जाता है. जो भी क्लाइंट्स हैं हमारे, वो हमें बोलते हैं कि एक डिज़ाइन बनानी है या लोगो बनानी है या जो भी पर्टिकुलर थिंग हो वो बनाना है. बट जब हम उन्हें एक बजट देते हैं तो वो चौंक जाते हैं. उन्हें लगता है कि अरे ऐसा क्या बोल दिया इसने, बजट इस काम के लिए, बजट इस काम के लिए ये मुझसे पैसे लेगा. हाँ, हमें पैसा लेना पड़ता है यार, क्योंकि होता ये है कि हम उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं. हमने पढ़ाई करी होती है, पढ़ाई में 10 से 20 लाख रुपए खर्च होते हैं. हमारे सिस्टम, हमारे इक्विपमेंट्स, हमारा टाइम, हमारा कैमरा, हमारा सब कुछ इसमें दाव में लगता है. तो सो हम फ्री में काम क्यों करेंगे? क्योंकि आजकल ऐसा सिनेरियो देखा है मैंने, मतलब मैंने भी सुना है कि बहुत लोग बोलते हैं कि यार एक लोगो बनाना है, थोड़ा सा कलरफुल होना चाहिए. वो अपना पूरा डिटेल्स दे देते हैं, बट उसे चार्ज बताता हूँ मैं कि हाँ इतना कॉस्ट आएगा, तेरा ऐसा लोगो है, वैसा लोगो है. मतलब लोगो में भी बहुत सारे चीज़ होते हैं, डिज़ाइनिंग में भी बहुत स्टेजेस होते हैं. उस स्टेजेस के हिसाब से मैं उसको पॉइंट बताता हूँ. तो उसमें वो बोलते हैं कि अच्छा कॉस्ट लगता है इसका. कॉस्ट क्यों लगता है, ये बड़ी बात है, ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है. कॉस्ट इसलिए लगता है क्योंकि उसमें जैसे हमें भी बिल पे करना पड़ता है ना, तो हमारा वो प्रोफेशन है. हम शौक के लिए भी कर रहे हैं बट वो हमारा प्रोफेशन भी है, हमने उसके लिए पढ़ाई करी है. डिज़ाइन में टाइम लगता है, डेडिकेशन लगता है, वो हमारा पैशन है. और आपने सुना ही होगा, टाइम इज़ मनी. सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, आपके घर में हो, आपके फ्रेंड्स हो, या आपके रिलेशनशिप में जो भी आर्टिस्ट हैं, चाहे वो सिंगर हो, पेंटर हो, फोटोग्राफर हो, सिनेमेटोग्राफर हो, एक्टर हो, सबको एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है बूस्ट अप होने के लिए, अप्रिसिएशन. अगर आप उसे अप्रिशिएट नहीं करोगे तो वो अपने आप को बूस्ट अप नहीं कर रहा होगा. अभी सारे लोग पबजी खेलते हैं, तो पबजी में एक एंडरलिन होता है. जब हमारा लेवल कम होने लगता है तो हम वो एंडरलिन लेते हैं और हम बूस्ट अप हो जाते हैं, हमारे पास फिर से उतनी एनर्जी आ जाती है. एंडरलिन का ही काम करता है हमारे लिए अप्रिसिएशन. जब भी हम कोई काम करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, तो अगर उस पर अप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो हमें खुद ब खुद में एक कमी सी, ह्यूमन नेचर है, एक कमी सी महसूस होने लगती है. चाहे हम कितने भी अच्छे हों, कितना भी एक्सपीरियंस हो हमारे पास, बट हमें लगने लगता है कि क्या ये सही नहीं था. हम एक सेल्फ डाउट में चले जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है. और ये अगर कंटिन्यूस चलता रहा तो आगे चल के ये डिप्रेशन के पीरियड में ले जाता है. और डिप्रेशन से क्या होता है सब लोग जानते ही हैं, मुझे बताने की उसकी कोई ज़रूरत नहीं. तो मेरा सबसे मेन पॉइंट यही था कि अप्रिशिएट करना चाहिए. किसी को भी पुशअप करो, ठीक है, गलत है तो गलत बताओ, बट उसके लिए भी एक ढंग होना चाहिए कि कैसे गलत बताना है. अगर आपको किसी का फोटो देख रहे हो, आपके घर में कोई फोटोग्राफर है, उसने अपलोड किया फेसबुक इंस्टाग्राम, वो हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है, उस पर अपलोड किया, आप उसको जानते हो, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि घर का ही है, मैं इसको सामने से बोल दूंगा. वो उसने आप दिखाना रहता तो वो आपके सामने आके दिखा सकते. उसने प्लेटफॉर्म पे उसको डालो, लोग के सामने अगर वो अप्रिशिएट हो रहा है, लाखों लोग उसको देख रहे हैं, तो उसे भी अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा कि चलो इसने मेरे आर्ट को समझा, दूसरे भी समझेंगे उसको देख के. हम आर्टिस्ट जो भी होते हैं, जैसे मैं एक फोटोग्राफर हूँ, तो मेरा मेन गोल ये रहता है कि जो मैंने देखा है उसको मैंने सारे दुनिया को दिखाना है. क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा एंगल, हमारा परसेप्शन अलग होता है. अब लोग नॉर्मल चीज़ देख लो, सनराइज सनसेट लोग सब देखते हैं, मगर हम उस चीज़ को जैसे फील करके दिखाते हैं, आप वैसे देखते हो तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है कि वाह ऐसा सनसेट था, ऐसा सनराइज था,
क्यों? क्योंकि हम एक फोटोज में या किसी भी आर्ट में हम उसकी फील को देखते हैं, उसके अंदर एक स्टोरी को देखते हैं। तो हम अगर उसके लिए, हम आपके लिए करते हैं, हम उसको अगर आपके सामने उसके प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको भी अप्रिशिएट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आप अपनी कंपनी में काम करते हो, आपके ऊपर टीम लीड होता है, टीम लीड के ऊपर सीईओ होता है। तो सीईओ जब टीम लीड बहुत सारे प्रेशर होते हैं, आप एक आर्टिस्ट हो या कंपनी में जो भी काम करते हो, आप इंजीनियर हो, एमबीए के स्टूडेंट हो या मैनेजमेंट में हो, तो उसमें क्या होता है कि जब आप काम करते हो, आपका टीम लीड या आपका सीईओ डायरेक्टली आपको अप्रिशिएट करता है कि गुड वर्क, तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है, तो आप ना उसमें और डेडिकेटेड हो जाते हो, आप काम करने लगते हो। सेम आर्टिस्ट के साथ भी है, जब हम स्केच करते हैं, पेंट करते हैं या फोटो लेते हैं, तो अगर हमको उसमें अप्रिशिएशन नहीं दिखता है, तो हमारा खुद ब खुद मोरल डाउन होने लगता है, हम यूजेस उसका कम करने लगते हैं, हम दूसरे वे में जाते हैं। आर्टिस्ट का माइंड काफ़ी एक्सपैंड है और काफ़ी बदल सकता है तुरंत, मतलब स्प्लैश ऑफ की है कि वो बदल जाएगा। उसको अप्रिशिएशन की ज़रूरत है एक ट्रैक पे रखने के लिए। हम अपने माइंड को इतना एक्सपैंड करते हैं कि हम एक होता है ना कि घोड़े में नाल लगा लो तो एक ही तरफ दौड़ता है, हमारा ऐसा नहीं, हम चारों तरफ देखते हैं और चारों तरफ की दुनिया हमें रंगीन ही दिखती है। तो अब रंगीन दिखती है दूसरे के सामने लाते हैं, तो हमें भी होना चाहिए कि अप्रिशिएट होता है। प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया जितने भी हैं, ट्विटर हो गए, फेसबुक, ज़्यादातर इंस्टाग्राम फोटोग्राफर्स या कोई भी आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे सारे लोग जुड़ते हैं, उसको देखते हैं। तो प्लीज़ वहाँ पे जाओ, सब्सक्राइब करो, उनको लाइक करो। अगर आपको वहाँ पे पब्लिकली कमेंट नहीं करना है, तो उसके मैसेज में जाके आप उनको बताओ कि हाँ, इसमें थोड़ी सी कमी थी, यह बहुत अच्छा हो सकता है। कभी भी डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए किसी भी आर्टिस्ट को, क्योंकि आर्टिस्ट जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट सारे आर्टिस्ट के लिए, हम जितने भी आर्टिस्ट हैं, सोशल मीडिया को अपना एक प्लेटफॉर्म मान के चलते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ज़्यादातर इंस्टाग्राम। हम अपने आर्ट को रेगुलर अपडेट करते हैं और उस पर अपलोड करते हैं कि सारी दुनिया देखे। बट उसमें सबसे ख़राब चीज़ ये होता है कि हम उसे सब कुछ मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा चीज़ है कि आप सपोज करो किसी दिन आप सारा अपना आर्ट उस पर अपलोड कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, वो एक दिन क्रैश कर जाए, फिर क्या होगा? फिर तो सब कुछ खत्म। तो एक आर्टिस्ट के तरफ से मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि उसे सब कुछ नहीं मानना है, आप आर्ट अपडेट करते रहो। मेरे पास लगभग 1000+ फोटोज़ अभी भी हैं जो मैंने अपलोड नहीं किए, क्योंकि मैं हर चीज़ अपलोड नहीं करना चाहता हूँ। उस 1000 में से भी एक फ़ोटो निकालता हूँ जो मेरे इसमें आता है, मैं उसको अपडेट करता हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे, बट होता ये है, बहुत सारे आर्टिस्ट के लिए बोल रहा हूँ, होता ये है कि वो डालते हैं वो प्लेटफॉर्म को, हमारा ये होता है कि व्यूवर्स को हम दिखाएं, वो दुनिया देखें जो हम अपनी नज़र से उनको दिखाना चाहते हैं, और हमारे नज़र से सारी दुनिया खूबसूरत ही होती है। तो हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक को ऐसा मान के नहीं चलना चाहिए कि वो हमारा सब कुछ है। हमें अपना काम करना चाहिए, उस पर अपलोड करना चाहिए, इंटरेक्ट करना चाहिए पीपल्स को। और उस पर सबसे मेन चीज़ ये होती है कि हम लाइक्स और सब्सक्राइबर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर्स कितने हो रहे हैं, हमें फॉलो कितने हो रहे हैं, कर रहे हैं लोग, हमारा लाइक्स कितना बढ़ा है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें ध्यान सिर्फ अपने कंटेंट, अपने वर्क पे देना चाहिए कि हमारा वर्क डेवलप हो रहा है या हमारा कंसिस्टेंट चल रहा है कि एक ही टाइप का काम कर रहे हैं, उसमें हम अपना अपग्रेडेशन क्यों नहीं ला रहे। क्योंकि लर्निंग की कोई उम्र नहीं होती, आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस हो, आप एक नए बंदे से भी एक्सपीरियंस ले सकते हो, क्योंकि जो माइंड है आर्टिस्ट का वो हर दिन एक नया ख्वाब बुनता है, हर दिन एक नया चीज़ बनाता है। तो अगर उसको आप अपने काम में डाल दो, जो भी आर्ट का काम है, तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। तो हमें बस उस पर ध्यान देना चाहिए, हमें लाइव इस पर लाइक पे या कमेंट्स पे या फॉलोइंग पे या सब्सक्राइबिंग पे ध्यान नहीं देना चाहिए। सिर्फ एंड सिर्फ हमें कंसंट्रेट करना चाहिए अपने कंटेंट पे और अपने काम पे, कि वो कितना और खूबसूरत हो सके टाइम के हिसाब से, कि हमें भी अच्छा लगे और लोगों को उसमें और इंटरेस्ट आए। काम चलता रहेगा, लोग आते रहेंगे। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हम आर्टिस्ट जो भी हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक को, जैसा मैंने इसके पहले वाले पॉइंट में बताया था, कि यूज़ करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे और उसमें बहुत सारे हैशटैग्स लगाते हैं। कुछ पेजेस ऐसे हैं जो उस हैशटैग की वजह से या उस पोस्ट के पर्टिकुलर
अच्छे होने की वजह से उसको अपने पेज में शेयर करते हैं। तो उन पेजेस को ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी आर्टिस्ट है उनको सबसे पहले आप मेंशन करें, क्योंकि जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि वो पेज के लिए सिर्फ एक कंटेंट है, बट वो आर्टिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और व्यूअर्स को उसके जो टैग किया हुआ है आर्टिस्ट को, उसके पेज में जाके या उसके अकाउंट में जाके उसके आर्ट को अप्रिशिएट करना है, उसके आर्ट को फॉलो करना है, क्योंकि आर्टिस्ट उस आर्ट बनाने के लिए या किसी भी चीज़ को बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। पेजेस में मैंने देखा है, मेरे भी बहुत सारे शेयर्स होते हैं या मेरे भी बहुत सारे कलीग्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके सब पेजेस को शेयर किया जाता है, बट उसमें होता क्या है, बहुत सारे मैक्सिमम एक दो पेजेस हैं जो अब टैग करने लगे हैं पहले, मगर मैक्सिमम पेजेस ये हैं कि जो हाँ पीसी क्रेडिट दे दिया बट फॉलो अस, पेज को फॉलो करो, ठीक है यार पेज को फॉलो करो, पेज के लिए वो कंटेंट है, बट वो कंटेंट जिसका है उसको फॉलो करना, उसको अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सबसे मेन थिंग है। तो सो पेजेस आपको ये ध्यान देना है कि आप सबसे पहले आर्टिस्ट को टैग करो और उसके नीचे व्यूअर्स के लिए रखो कि प्लीज़ फॉलो एंड अप्रिशिएट द आर्टिस्ट एंड फॉलो ऑल्सो योर पेजेस, क्योंकि आर्टिस्ट के लिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मेरे सारे पॉइंट्स यहीं ख़त्म होते हैं, बट ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट वीक के हर फ्राइडे से हर वीक के हर मंथ और हर ईयर मैं एक नॉलेज वीडियो डालने वाला हूँ 5 मिनट्स के लिए, वो फोटोग्राफी सिनेमेटोग्राफी आर्ट डिज़ाइनिंग उससे रिलेटेड है। सो प्लीज़ बी कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड।